डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बहुत ही वेल नोन टॉपिक, सबको पता है एसिड ट्रेंड के बारे में। तो इसका जो इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स है जो हमें एग्जाम में लिखना है अच्छी तरीके से, उस चीज के हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखते हैं जो एसिडेंट होता क्या है। ठीक है, एसिडेंट और एसिड डिपोजिशन इज ए ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन विथ एसिडिक कंपोनेंट्स। मतलब कि ये एक साथ बहुत चीजों को लेके समझाया जाता है, क्या क्या होता है इसमें, जिसमें कि आपका प्रिसिपिटेशन मतलब कि वो नीचे गिर जाता है, किस टाइप का आपका, जैसे कि सल्फ्यूरिक हो गया या तो नाइट्रिक एसिड, इस तरह का फॉर्म में, इस तरह का केमिकल फॉर्म में अगर वो गिरता है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम द एटमोस्फेयर इन वेट ड्राई फॉर्म्स, ये वेट में भी हो सकता है या तो ड्राई फॉर्म में भी ये गिर सकता है। दिस कैन इंक्लूड रेन, स्नो, फॉग, हेल और इवन डस्ट दैट इज एसिडिक। और ये हो सकता है कि रेन के फॉर्म पे हो, स्नो के फॉर्म पे हो या तो फॉग के फॉर्म पे हो, तो बट उसका जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, वो एसिडिक कंडीशन पे नीचे आएगा या तो नीचे प्रिसिपिटेट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। अभी ये होता कैसे, देखिए इसका कारण क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। थोड़ा सा डायग्राम में देखिए, ये जितना भी हमारा इंडस्ट्री वगैरह से या तो जितना भी सोर्सेस है वो सब में सबसे हमारा जो पॉल्यूटेंट से वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि गैसियस है, एयर पोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें सपोज हम लोगों ने एक सल्फर डाइऑक्साइड को मान लिया और ये जो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन करके ये क्या दे रहा है अभी आपको, SO4। अभी ये और सिमिलरली जो नॉक्स है, नॉक्स हमें नाइट्रिक एसिड दे रहे हैं, और ये जब आइस के फॉर्म पे या तो डस्ट के फॉर्म पे या तो रेन के फॉर्म पे अगर वो नीचे आता है या तो ग्राउंड पे फॉल होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो एसिड, इसको हम लोग एसिड रेन बोल सकते हैं। अभी ये जब अगर सॉइल पे गिरता है तो क्या हो कर देगा, वो एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल हो जाएगा। अगर वो लेक पे या तो जो वाटर बॉडी से अगर उसमें गिरेगा तो क्या होगा, लेक्स टर्न इनटू एसिडिक। तो इस तरीके से, या तो अगर वो कोई फॉरेस्ट में गिर रहा है तो क्या होगा, फॉरेस्ट का जितना भी हमारा जो प्लांट्स वगैरह है उन सब में इसका जो बैड इफेक्ट है, इसका जो डिजेस्ट्रस जो इफेक्ट है वो यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। तो ये होता है हमारा एसिड ड्रेन। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि इसका जो मेन कारण होता है वो क्या क्या होता है। देखिए, एसिड ड्रेन रिजल्ट्स व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड या तो SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx आर इमिटेड इनटू एटमॉस्फेयर एंड ट्रांसपोर्टेड बाय विंड एंड एयर। देखिए, जितना भी हमारा अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जितना भी सोर्सेस वगैरह से हमारा जो NOx एंड SOx बन जाता है, ये क्या करता है, एयर के साथ रिएक्ट करता है। अभी ये जो ऊपर जाता है इसको कौन लेके जाता है, ये हमारा जो विंड एंड एयर करंट्स, मतलब कि हवा का जो बहाव होता है, इसका जो करंट होता है, इसका जो फ्लो होता है, इसके साथ ये चला जाता है, ट्रांसपोर्टेड एक जगह से दूसरी जगह तक ये चला जाता है। द सॉक्स एंड नॉक्स या तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नॉक्स रिएक्ट विथ वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल्स टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो ये बाद में जो सॉक्स या तो नॉक्स जो होता है, ये बाद में वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और अगर कोई दूसरा केमिकल वहाँ पे प्रेजेंट होता है तो उसके साथ भी रिएक्ट करेगा, और फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कर देगा, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। देन ये जो मिक्सअप होगा, देन दिस वाटर एंड अदर मटेरियल्स बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड। अभी ये जो हमारा यहाँ पे अब डायग्राम पे देखिए, अभी जो जितना भी हमारा सल्फर या तो जो SO2 हो गया या तो नॉक्स जितना भी हो गया पॉल्यूटेंट्स, ये सारा क्या करेगा, यहाँ पे वाटर आपका जो एयर हो गया है इन सब के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद ये एसिड फॉर्म पे आ जाएगा, एक तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, देन HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये एसिड जब बन जाएगा, एसिड बनने के साथ नीचे आएगा बारिश के टाइम पे, तो ये क्या करेगा, हमारा जो फॉरेस्ट होगा, स्ट्रीम्स होगा, लैंड होगा, ह्यूमन या तो कोई भी चीज होगा, वो सब में ये मतलब इसका जो रेंज, इसके रेंज पे जितना भी जो हमारा अर्थ का जो लैंड आता है वो गिर जाएगा। देन क्या होगा, हमारा लेक में डिस्टर्बेंस आएगा, लैंड पे, देन फॉरेस्ट पे, तो ये हमारा क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे इन टोटल। नाउ इफेक्ट्स क्या क्या होता है,
अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका इफेक्ट्स, एसिड रेन का इफेक्ट्स किस तरह का होगा। देखिए, पीपल, फॉरेस्ट, सॉइल, लेक्स एंड रिवर्स एंड एनिमल्स आर अफेक्टेड बाय एसिड रेन। देखिए, ये सारा जितना भी है, पीपल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सॉइल, लेक्स, ये सारा हमारा एसिड रेन से बहुत ही बुरी तरीके से इसका नुकसान होता है। व्हेन द एसिड रेन falls on the forest, the trees die, including different animal species living there. अब देख सकते हो यहाँ पे जो forest था, इसका जो जितना भी leaves वगैरह था, जितने भी पत्ते के खत्म हो गया, तो ये धीरे धीरे आपका मतलब खत्म होने स्टार्ट कर देगा। मतलब कि ये एक डिफोरेस्टेशन के टुवर्ड्स ये मूव करता है, तो ये हमारा फॉरेस्ट को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। देन आप देख सकते हो कि जो हमारा एक्वाटिक एनिमल्स है, या तो एक्वाटिक जो भी ऑर्गेनिजम्स वगैरह है, अगर पानी में गिरता है तो फिश, एक तो वाटर क्वालिटी को तो गंदा करता ही है, देन आपका जो फिश हो गया उसको भी ये क्या कर देता है, मतलब खत्म कर देता है। देन आपका अगर स्किन पे अगर आ जाता है, तो इसका स्किन का जो इरिटेशन हो गया, या तो स्किन बर्निंग हो गया, ये कई तरीके से हमारा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो ये जो हमारा एसिड रेन है, इस तरीके से कई सारे हमारा या इसका बैड इफेक्ट्स है। तो जितना भी हमारा एयर पोल्यूटेंट्स है, इसका जो मेजर इम्पैक्ट क्या है, ये सबको पता होना चाहिए, और उस हिसाब से हमें आपका जो डेली लाइफ होता है, उस हिसाब से आपको ऑपरेट करना चाहिए कि जो एयर पोल्यूशन होता है, ये इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो कितना हार्मफुल हो सकता है, वो चीज़ जानने के बाद ही आपको काम करना चाहिए, और उस तरीके से आप काम कीजिए ताकि उस आपके काम से कोई भी एयर पोल्यूशन वाला, या तो एयर के लिए हार्मफुल कोई भी जो आपका पोल्यूटेंट्स है, वो रिलीज ना हो। थैंक यू सो मच।